विद्यार्थी मित्र नमस्कार मी एल ढगे आम इनोवेटिव यू यु पब्लिकेशन या डिजिटल प्लैटफॉर्म पर आप हार्दिक हार्दिक हार स्वागत करतो विद्यार्थी मित्र हो अपनास महित है कि सद्या अपन एम ची टॉपिक निहाय वीडियो सीरीज पहात आहोत मगिल वीडियो मधे अपन यूनिट क्रमांक दोन हैंड टूल्स ये का महत्वपूर्ण एम सी पुन्हा एकदा आज आपणासमोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत आपले तिसरे युनिट आलाई ट्रेड यावरील काही महत्वपूर्ण एम सी क्यूज विद्यार्थी मित्र हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा व आमच्या आय व्ही व्ही पी ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेल आयकॉनमधील मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका चला तो मग पहुया आपले तीसरे यूनिट आलाई ट्रेड या वरील एम नमस्कार दोस्तों मैं शेख हैदर हमारे इनोवेटिव पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ आज हम अलाइट ट्रेड इस टॉपिक के ऊपर प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल दिए वाले क्वेश्चंस में जो इमेज दिए वाला है इसमें कौन सी टाइप का फाइल है ये हमको आइडेंटिफाई करना है तो क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल तो ऑप्शन नंबर ए है कवर कट फाइल ऑप्शन नंबर बी है सिंगल कट फाइल ऑप्शन नंबर सी है डबल कट फाइल ऑप्शन नंबर डी है रास्ट कट फाइल ठीक है देखिए अभी हमारे पास जो इमेज है ये इमेज के अंदर हमको क्या दिख रहा है ठीक है एक फाइल है ठीक है ये फाइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इसका नाम क्या है हमको ये आइडेंटिफाई करना है ठीक है अब ये देखो जो भी हम फाइल है इस फाइल के सरफेस पे कुछ खुरदरा पार्ट दिख रहा है क्या दिख रहा है खुरदरा पार्ट उसको क्या कहते हैं हम रास क्या कहते हैं उसको रास तो इसलिए यह इस ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसको कहेंगे हम रास कट फाइल क्या कहेंगे इसको रास कट फाइल सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल है विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्यूरिंग मटेरियल एट कॉर्नर मतलब कोने में से मटेरियल निकालने के लिए किस टाइप के चीजल का हम इस्तेमाल करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर ए है डायमंड पॉइंट चीजल ऑप्शन नंबर बी है क्रॉस कट चीजल ऑप्शन नंबर सी है हाफ राउंड चीजल और ऑप्शन नंबर डी है वेब ठीक है पहले तो हम क्या करेंगे सभी चीजल का इस्तेमाल कहां पर होता है और कैसा होता है ये देखेंगे फिर ये क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे ठीक है तो पहला ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए है डायमंड पॉइंट चीजल कौन सा है डायमंड पॉइंट चीजल डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल कॉर्नर के मटेरियल को निकालने के लिए किया जाता है जैसा कॉर्नर है कॉर्नर के मटेरियल को हम कट करके क्या करेंगे निकालेंगे तो वहां पर कौन सा चीजल इस्तेमाल करेंगे डायमंड पॉइंट चीजल क्रॉस कट का इस्तेमाल कहा करेंगे क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल कर ग्रुप कट करने के लिए जैसे कर ग्रू है का हम कुछ की होल्स करने का है लेकिन कैसे कैसे कर में मतलब आड़े तीड़े ऐसे कुछ कर फॉर्म में तो वहां पर हम कौन से चीजल का इस्तेमाल करेंगे क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल बाद में उसके बाद में अगर किस कभी हम ड्रिल करने के बाद में कुछ मटेरियल अगर निकालना है तो वहां पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे वेब चीजल तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कोने में से मतलब कॉर्नर में से मटल निकालने के लिए कौन सा चीजल का इस्तेमाल करेंगे सो so, कॉर्नर में से मटल निकालने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का इस्तेमाल किया जाता है सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारे पास करेक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डायमंड पॉइंट चीजल अगला सवाल है विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर रिवेटिंग और सीमिंग टेम्पर्ड कोन शेप आर्टिकल्स मतलब कौन शेप आर्टिकल के लिए सीमिंग और टिपिंग करने के लिए कौन से टाइप का स्टेक का इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए है स्क्वेयर स्टेक ऑप्शन नंबर बी है ब्लोहॉर्न स्टेक ऑप्शन नंबर सी है हटेच स्टेक इसकी एक बाजू जो रहती है वो धार यानी नौकेले रहती है इसका इस्तेमाल शार्प बेंड तैयार करने के लिए और साथ ही शीट को फोल्ड करने के लिए किया जाता है ऑप्शन नंबर डी है बेवल एज स्क्वेयर स्टेक इसका इस्तेमाल कॉर्नर और एज बनाने के लिए किया जाता है सो तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेक का इस्तेमाल रिवेटिंग और सिमिंग टेपर्ड कोन शेप तैयार करने के लिए किया जाता है ठीक है टेपर्ड और कोन तैयार करने के लिए सिमिंग करने के लिए हमारे पास हम ब्लो हॉर्न स्टेक का इस्तेमाल करते हैं सो तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर होगा अगला सवाल है वट इज द पर्पस ऑफ क्रॉस कट कोल्ड चीजल क्रॉस कट कोल्ड चीजल का पर्पज क्या है ठीक है ऑप्शन नंबर एक कटिंग की वे ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर सी है स्क्वेयरिंग मटेरियल एट कॉर्नर ऑप्शन नंबर डी है रिमूविंग मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस ठीक है क्रॉस कट चीजल का इस्तेमाल की वे ग्रो करने के लिए किया जाता है की वे ग्रो ऑप्शन हमारे पास कहते ऑप्शन नंबर ए कटिंग की वे तो की वे ग्रू करने के लिए हम क्या करते हैं कट कोल्ड चीजल का इस्तेमाल करते सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है वहां सही आंसर अगला सवाल है वट इज द नेम ऑफ स्टेक दूस फॉर जनरल पर्पज इन शीट मेटल वर्क शीट मेटल वर्क में जनरल पर्पज सर्वसाधारण काम करने के लिए कौन से स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हैटे स्टेक ऑप्शन नंबर बी है स्कोर स्टेक ऑप्शन नंबर सी है ब्लोहॉर्न स्टेक ऑप्शन नंबर डी है बेवेल एज स्टेक ठीक है अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमने सब इस चीज के बारे में देखे डिटेल देखे कि स्टेक का इस्तेमाल कहा होता है इस्तेमाल कहा होता है काम करना है मेटल शीट वर्क में हम वहां पर स्क्र स्टेक का इस्तेमाल कर दे कौन सा स्क्र स्टेक फॉर जनरल परपज वर्क के लिए तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पर सही आंसर होगा स्क्र स्टेक अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेक यूज फॉर शीट मेटल वर्क यहाँ पर इमेज में दिए वाले स्टेक का नाम हमको बताना है और या फिर ये इमेज को हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का ये स्टेक है ठीक है अब यहाँ पर जो स्टेक दिख रहे हैं इसका जो शंकु है हमारा कैसा दिख रहा है एक एक ब्लो हॉर्न की तरह दिख रहा है ठीक है अब इसलिए इसका नाम कौन सा होगा ब्लो हॉर्न स्टेक क्या होगा इसका नाम ब्लो हॉर्न स्टेक और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते है? कोई भी कौन शेप में वर्क करने के लिए या रिवेटिंग करने के लिए या फिर सिमिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर इमेज में दिए वाला जो स्टेक है उसका नाम है ब्लो स्टेक तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा अगला सवाल है विज टाइप ऑफ चीजल यूज फॉर सेपरेटिंग मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग चेन ड्रिलिंग करने के बाद मेटल को अलग करने के लिए कौन सी चीजल का इस्तेमाल किया जाता है तो जनरली जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं ड्रिलिंग करने के बाद मेटल को सेपरेट करने के लिए हम वेब चीजल का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर अगला सवाल है वॉट इज द यूज ऑफ फर्मर चीजल फर्मर चीजल का इस्तेमाल कहा करते हैं ठीक है ऑप्शन नंबर ए है जनरल चिजलिंग वर्क ऑप्शन नंबर बी है पेयरिंग एंड फिनिशिंग ज्वाइंट ऑप्शन नंबर सी है मेकिंग रेक्टेंगुलर होल्स इन उड ऑप्शन नंबर डी है लाइट चिजलिंग एंड टू क्लीन शार्प कॉर्नर ठीक है अब जो फर्मर चीजल है फर्मर चीजल का इस्तेमाल हम जनरल पर्पस वर्क के लिए करते हैं यानी जनरल चिजलिंग वर्क के लिए सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर है अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एक्स ऑफ द चीजल यहां पर जो मार्क किया हो है यह चीजल का एक्स मार्क ये पार्ट का नाम हमको बताना है यह क्या क्या इंडिकेट करता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए है पॉइंट एंगल ऑप्शन नंबर बी है एंगल ऑप्शन नंबर सी है आइडेंटिफाई का का नाम, नाम करते है? हमको बताना है ठीक है यहां पर जो एक्स मार्क मतलब इसको हमको आइडेंटिफाई जो करना है उसको हम पॉइंट एंगल कहते क्या कहते ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर पॉइंट एंगल अगला सवाल है वट इज द यूज ऑफ दिस गेज ठीक है अब यहां पर इमेज में दिया गया जो गेज है इसका नाम क्या है और इसका इस्तेमाल कहा होता है ठीक है ये इमेज में दिया गया जो इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है रेडियस गेज इसका नाम क्या है रेडियस गेज इसका इस्तेमाल जॉब का इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस मेजरमेंट के लिए किया जाता है के लिए कोई भी जॉब का इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस मेजरमेंट के लिए किया जाता है जहां भी जहां पर जॉब का रेडियस गेज के साथ यहां पर क्या करते हैं कोई भी जॉब का रेडियस इस गेज के रेडियस के साथ कंपेयर किया जाता क्या है क्या करते हैं कंपेयर करते है? किस किसका इसका रेडियस और कोई भी जॉब का रेडियस जिसको जिसका रेडियस हमको मेजर करना है ठीक है तो इसको क्या करेंगे हम इसका इसको रेडियस गेज उसके बाद में इसका इस्तेमाल कहा होता है टू चेक और टू चेक द रेडियस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ द जॉब तो ऑप्शन नंबर एक है चेक द रेड चेक द डायमीटर नहीं डायमीटर चेक करने के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते इसका इस्तेमाल कर करते कहीं के लिए रेडियस चेक करो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा चेक दी इंटरनल रेडियस ऑफ दी जॉब इंटरनल रेडियस का हम मेजर करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है ऑप्शन नंबर सी चेक करते इसमें क्या है क्या है चेक दी हाइट हाइट भी चेक नहीं करते ऑप्शन नंबर सी तो कंप्लीटली गलत होगा ऑप्शन नंबर डी है सेट द जॉब ऑफ मशीन पैरल टू मतलब ये भी ऑप्शन गलत है अभी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चेक द इंटरनल रेडियस ऑफ जॉब, सो ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी टू चेक द रेडियस ऑफ इंटरनल ऑफ जॉब। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ नॉच यूज टू मेक जॉब विथ नाइंटी डिग्री नाइंटी डिग्री जॉब बेंड करने के लिए कौन से नॉच का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ठीक है ऑप्शन नंबर ए स्लेंट नॉच ऑप्शन नंबर वी नॉच ऑप्शन नंबर सी है स्क्वेयर नॉच ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेट नॉच ठीक है अब जब भी जिस जगह से मेटल शीट को बेंड करना है उस जगह एक नॉचिंग किया जाता है यानी हम क्या करते हैं स्मॉलराम और छोटा सा क्या करते हैं कट करते हैं उसको क्या मार्किंग के लिए जैसा वो जहाँ से हम शीट कट करेंगे उसको हम क्या करते हैं नॉच कहते हैं ठीक है थीके? इसका इस्तेमाल क्या कहते स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते टाइम करते हैं ठीक है थीके? अब जहाँ पर नॉच फोर्टी डिग्री से कट करते हैं तो उसको क्या क्या करेंगे हम स्लेंट नॉच और जहां पर भी 90 डिग्री से ज्यादा या फिर एग्जैक्ट 90 डिग्री हमें हमको अगर सीट बेंड करना है वहां पर वी नॉच का हम इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है नाइन्टी डिग्री जॉब बेंड करने के लिए तो नाइन्टी डिग्री जॉब बेंड करने के लिए हम वी नॉच का इस्तेमाल करते तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर अगला सवाल है वॉट इज द यूज ऑफ मोरटाइज चीजल मोरटाइज चीजल का इस्तेमाल कहा किया था ठीक है ऑप्शन नंबर ए है जनरल चीजिंग वर्क इन वुड

मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन उड अगला सवाल है इस्तेमाल किया जाता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए स्क्र स्टेक ऑप्शन नंबर बी है एज स्क्टेक ऑप्शन नंबर सी है ब्लोहॉन स्टेक ऑप्शन नंबर डी है ठीक है अब यहां पर शार्प बेंड करने के लिए हेटैच स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है तो हेटे स्टेक का इस्तेमाल का कर के लिए शार्प बेंड के लिए और एग्जैक्टली exactly हमको क्वेश्चन पूछा गया शार्प बेंड के लिए पूछा गया ठीक है तो हेटेस यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी हेटेच स्टेक अगला सवाल है विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन सॉक के ब्लंट दांत शार्प करने के लिए कौन से फाइल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर ए है स्क्वायर फाइल ऑप्शन नंबर बी है राउंड फाइल ऑप्शन नंबर सी है हाफ राउंड फाइल ऑप्शन नंबर डी है ट्रैंगुलर फाइल ठीक है अब जो का एक दांत तो रहता, रहता है लीडिंग एज पर तो दूसरा दांत रहता है ट्रिलिंग एज पर पर 60 टू 30 डिग्री रहता है ठीक है अब यहाँ पर जो दांत को शार्प करने के लिए हम फाइल इस्तेमाल करेंगे वो एग्जैक्टली exactly सिर्फ ट्रेंगुलर फाइल का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि जो दांत का जो डिफो डिफरेंस है वो कितना है थर्टी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री के बीच में इसलिए यहां पर एग्जैक्ट आंसर होगा ट्रेंगुलर फाइल ऑप्शन नंबर डी ट्रेंगुलर फाइल अगला सवाल है टाइप ऑफ नॉच इज फॉर मेकिंग अ मटेरियल ट्राई 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लंज अब यहां पर कोई भी मेटल शीट को 90 डिग्री में बेंड करने के लिए हम वी नॉच का इस्तेमाल करते हैं ठीक है अब यहां पर ऑप्शन नंबर ए है स्क्वेर नॉच ऑप्शन नंबर बी है नॉच ऑप्शन नंबर सी है वी नॉच ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेट नॉच अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया नाइन्टी डिग्री बेंड करने के लिए अब नाइन्टी डिग्री बेंड कर ले लेकर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन नंबर सी वी नॉच तो यहां पर होगा आंसर ऑप्शन नंबर सी वी नॉच अगला सवाल है व्हाट इज द नंबर 1.25 इंडिकेट इन आयोसोमेट्रिक फाइन थ्रेड एम ट्वेल्व वन अब हमारे पास एक आयोसो थ्रेड डे वाला ठीक है आया जो थ्रेड में क्या नाम क्या सीरीज है इसका 1. सॉरी M12 1.25 अब इसमें का जो नंबर है 1.25 ये क्या इंडिकेट करता है ये हमको बताना ठीक है ऑप्शन नंबर ए पिच ऑफ द थ्रेड ऑप्शन नंबर बी है डायमेट्रिक ऑफ थ्रेड ऑप्शन नंबर सी डेप्थ ऑफ द थ्रेड ऑप्शन नंबर डी लेंथ ऑफ द थ्रेड अब यहां पर जो 1.25 ये जो नंबर है ये हमेशा इंडिकेट करेगा पिच ऑफ द थ्रेड मतलब पिच दो थ्रेड के अंदर का पिच कितना है यह डिफाइन करेगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पिच ऑफ दी थ्रेड अगला सवाल है व्हाट इज द परपस ऑफ हेम फोल्डिंग इन शीट मेटल वर्क शीट मेटल वर्क में हेमिंग का क्या परपस है ठीक है अब मेटल शीट के एज को फोल्ड करके बनाए गए कोन को हम हेम कहते हैं ठीक है यहां पर क्या होता है जो भी मेटल शीट है मेटल शीट को क्या करते हैं पूरा वन डिग्री में क्या करते हैं उसको फोल्ड करते हैं तो इसको क्या करते हैं हम हेम ठीक है अब यह हेमिंग की वजह से मेटल शीट को खराब होने से फटने से बचा जाता है यहां पर क्या होगा पूरा जो मेटल शीट है क्या वन एटी डिग्री बेंड होगा और इसके वजह से जो मेटल शीट जो शार्प जो उसके एज रहे हैं जो वो एज भी क्या होगा शार्पनिंग एज भी हम क्या कर सकते हैं उसको बेंड करके बचा जाता है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंट शीट फ्रॉम डैमेज ऑप्शन नंबर बी है हेल्प्स फॉर बेंडिंग शीट मेटल इजीली ऑप्शन नंबर सी है प्रिवेंट बर्स फार्मिंग आफ्टर कटिंग ऑप्शन नंबर डी है हेल्प्स फॉर फार्मिंग बॉक्स ठीक है इस्तेमाल किस किसको शीट को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए होगा ए सही आंसर हमारा प्रिवेंट द शीट फ्रॉम डैमेज अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल ठीक है यहां पर इमेज में दिए वाले टूल का नाम क्या है ये हमको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन नंबर ए है आउटसाइड कैलिपर कैलीपर ऑप्शन नंबर बी है इनसाइड कैलिपर कैलीपर ऑप्शन नंबर सी है जेनी कैलीपर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेम जॉइंट कैलीपर ठीक है अब ये जो इमेज है ये इमेज है हमारे पास जेनी कैलिपर का, का जानी, जानी, क्या कहा जेनी कैलीपर इसको क्या बोलेगा जेनी कैलीपर ठीक है ऑप्शन नंबर सी होगा हमारे पास सही आंसर जेनी कैलीपर अगला सवाल है वीज टाइप ऑफ नॉच यूज फॉर बेंडिंग एज ऑफ मेटल शीट मतलब मेटल शीट के एड एज को मतलब लास्ट कॉर्नर को बेंड करने के लिए कौन से नॉच का इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेट नॉच ऑप्शन नंबर बी है स्लिट नॉच ऑप्शन नंबर सी है स्क्वायर नॉच ऑप्शन नंबर डी है वी नॉच, ठीक है नॉच का मतलब होता है कटा हुआ निशान इसका इस्तेमाल करके हम मेटल शीट को कट करते समय मार्किंग के लिए करते हैं ठीक है जहां मेटल शीट को बेंड करना है वहां से शीट के कोने यानी एज पर नॉचिंग करते हैं उसको हम स्ट्रीट नॉच कहते हैं क्या कहेंगे उसको स्ट्रीट नॉच तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है मेटल शीट को बेंड करने एज बेंड करने के लिए तो मेटल शीट के एज को बेंड करने के लिए स्ट्रीट नॉच का इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रीट नॉच है कहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए तो यहां का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रीट नॉच अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ ड्रिल बीट यहां पर इमेज में दिए वाले ड्रिल बीट का हमको नाम बताना है कौन सा है ठीक है ऑप्शन नंबर है टेपर शंक ऑप्शन नंबर बी है फ्लैट ड्रिल बीट ऑप्शन नंबर सी है काउंटर शंक बीट ऑप्शन नंबर डी है स्ट्रेट शंक बीट ठीक है इस इमेज में दिए गए बीट का नाम है टेपर शंक बीट तो यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर टेपर शंक बिट अगला सवाल है टू तो अवॉइड हैमर मार्क्स ऑन अ जॉब इट बेटर टू तो यूज मतलब जॉब पे जॉब के ऊपर हैमर के निशान अगर हमको मिटाना है या फिर जब हम कभी जब काम करेंगे जॉब पर तो हैमर के निशान नहीं आना चाहिए इसके लिए क्या बेटर चीज इस्तेमाल करेंगे ठीक है ऑप्शन नंबर ए स्मॉल हैमर ऑप्शन नंबर बी हैवी हैमर ऑप्शन नंबर सी है एनविल ऑप्शन नंबर डी है हैमरिंग ब्लॉक ठीक है तो हैमरिंग ब्लॉक का इस्तेमाल जॉब के ऊपर हैमर के निशान अवॉइड करने के लिए किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हैमरिंग ब्लॉक यहां पर सही आंसर होगा तर विद्यार्थी मित्रों अशा प्रकारे आज अपन अलाई ट्रेड या चैप्टर वर कहीं महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्यूज पहले पुढील व्हिडिओमध्ये आपण कंडक्टर्स इन्सुलेटर्स सॉल्ड्रिंक व यूजी केबल या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण एम सी क्यूज पाहणार आहोत तेव्हा भेटूयात डे आफ्टर टुमारो एका नवीन माहितीसह हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा शेअर करा आमच्या आय व्ही व्ही पी ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल धन्यवाद